हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न न्यायपूर्ण एवं सुशासन के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने संबंध में बेहतर सुझाव दिए हैं, किंतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है। परीक्षण यह जीएस सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का प्रश्न पूछा जा सकता है और यह द हिंदू का आर्टिकल। अब इसे देखो, न्यायपूर्ण एवं सुशासन के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बेहतर सुझाव दिए हैं, किंतु अधिक प्रयास की आवश्यकता है। आपको परीक्षण करना है, प्रश्न एग्जामिन करना प्रश्न। ये द हिंदू का आर्टिकल, ये सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, चाहे निबंध हो या जीएस हो, यदि आपने बेहतर तरीके से टॉपिक अध्ययन कर लिया तो फिर हर जगह आप इसका बेहतर उपयोग। आप देखो आंसर कैसे चलेगा हमारा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रश्न क्या है, न्यायपूर्ण एवं सुशासन के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता है। तो इंट्रोडक्शन को आप करेंट से लिंक कर दो, आप करेंट से लिंक कर दो। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने पुलिस प्रशासन को संवेदनशील और दक्ष बनाने के लिए डीजीपी के साथ मीटिंग की और डंडा के बजाय डेटा के साथ काम करने का आह्वान किया है। ये इंट्रोडक्शन, या आप सीधे गवर्नेंस से जोड़ दो पुलिस प्रशासन को, गवर्नेंस से। जैसे मैं इसको जोड़ रहा हूं, मैं आप सबसे पहले फर्स्ट पेरे में आओगे और क्या लिखोगे, संवेदनशील दक्ष लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध। फर्स्ट संवेदनशील दक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध पुलिस प्रशासन के लिए मूल्य के प्रतीक पुलिस प्रशासन को प्रतिबद्ध बनाने एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री ने ये कहा जाए विशेष वार्ता की है तथा डंडा के बजाय डेटा के साथ काम करने का आह्वान किया है। ये बजाय डेटा के साथ काम करने का आह्वान किया है। अब इसे देखो, ये हमारा फर्स्ट पैरा, संवेदनशील दक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति पुलिस प्रशासन को प्रतिबद्ध बनाने एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष वार्ता की है तथा डंडा के बजाय डेटा के साथ काम करने का आह्वान किया है। आह्वान की बात करें, ये हमारा फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन में चलेगा। अब प्रश्न ये है कि न्यायपूर्ण एवं सुशासन के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता है। अगले पैरे में आएंगे, सेकेंड पैरे में लिखोगे वस्तुतः एसपीजी के लक्ष्य की प्राप्ति, एसडीजी के लक्ष्य की प्राप्ति समावेशिता
सुशासन एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता है। क्यों पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों है, क्या रीजन है? तो पहला जो पॉइंट चलेगा, अत्यधिक बोझ वाला पुलिस बल। नंबर वन, प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 152 पुलिस। नंबर वन, अत्यधिक बोझ वाला पुलिस बल, जैसे प्रति लाख जनसंख्या पर एक सौ बावन पुलिस है, जबकि यूएनओ द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार दो सौ बाईस होना चाहिए। पहला पॉइंट देखो जरा, पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अत्यधिक बोझ वाला पुलिस बल, जैसे प्रति लाख जनसंख्या पर 152 पुलिस है, जबकि यूएनओ द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार 222 होना चाहिए। हम दूसरी चीज बात करेंगे, आईपीएस प्रणाली को लेकर मुद्दे। नंबर बी, आईपीएस प्रणाली को लेकर मुद्दे जैसे राज्य क्या करते हैं, आईपीएस को अविश्वसनीय घुसपैठी के रूप में देखते हैं। जैसे राज्य आईपीएस को घुसपैठी के रूप में देखते हैं। नंबर बी की बात करें, नंबर ए क्या है, अत्यधिक बोझ वाला पुलिस बल, जैसे प्रति लाख जनसंख्या पर 152 पुलिस है, जबकि यूएनओ द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार 222 होना चाहिए। आईपीएस प्रणाली को लेकर मुद्दे, जैसे राज्य आईपीएस को घुसपैठी के रूप में देखते हैं। तीसरी चीज, हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्तर क्या है, राज्य पुलिस के हस्तक्षेप के बजाय सीबीआई जांच को प्राथमिकता देना। नंबर सी, ये कहा जाए राज्य पुलिस के हस्तक्षेप के बजाय राज्य पुलिस के सीबीआई जांच पर बल, जैसे जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में पुलिस और सीबीआई के बीच विवाद, पुलिस एवं सीबीआई के बीच विवाद, ये देखो आप। चौथी चीज बात करें, पुलिस बलों में विविधता का अभाव, अर्थात लैंगिक आधार पर विविधता का अभाव। नंबर डी, पुलिस बलों में जैसे
7% महिलाओं का प्रतिनिधित्व, 11.7% महिलाओं के केवल प्रतिनिधित्व है। अगला देखो, पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण, पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण आवश्यकता क्यों है? जैसे सिक्किम आरसी ने क्या कहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप ने पुलिस द्वारा उचित निर्णय लेने में हस्तक्षेप किया है। अगला, पुलिस बुनियादी ढांचे के मुद्दे, नंबर एफ, पुलिस बुनियादी मुद्दे जैसे हथियार, निगरानी वाहन एवं हम पुलनेट की कमी की बात करें। अगली देखा, औपनिवेशिक विरासत के कारण दमनकारी पुलिस बल बनना, औपनिवेशिक विरासत के कारण दमनकारी पुलिस बल बनने की बात करें हम लोग। अगली चीज बात करें, ये देखो आप, राज्य पुलिस के हस्तक्षेप के बजाय सीबीआई जांच पर बल, जैसे पश्चिमी बंगाल में पुलिस एवं सीबीआई के बीच विवाद। अगला, पुलिस बलों में विविधता का अभाव, जैसे 11.7% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है पुलिस में, ये रिपोर्ट। अगली चीज, पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण, पुलिस बुनियादी ढांचे के मुद्दे जैसे हथियार, निगरानी वाहन एवं पुलिस की कमी। अगला, औपनिवेशिक विरासत के कारण दमनकारी पुलिस बल बनना। अगला पॉइंट बात करें, अगला पॉइंट, पुलिस भ्रष्टाचार एवं कदाचार, हमेशा ध्यान दो, पुलिस भ्रष्टाचार, जैसे ये कहा जाए 14 में सतर्कता विभाग ने अपने लोगों के खिलाफ, जैसे 16 में सतर्कता विभाग ने अपने लोगों के खिलाफ पचपन प्रतिशत अधिक जांच की, ईएफजी, ये एच है। आई देखो, अगला पॉइंट देखो जरा, अगली चीज बात करें, बिगड़ते पुलिस सार्वजनिक संबंध, पुलिस सार्वजनिक हम संबंध की बात करें, क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट और अक्षम मानते हैं, लोग पुलिस को भ्रष्ट एवं अक्षम मानते हैं, अगला पॉइंट हम बात करें, अपराधों की बदलती प्रवृत्ति, अपराधों की बदलती प्रवृत्ति, जैसे
संगठित अपराध साइबर अपराध डीप फेक जैसे विषय पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है, ये सारे पॉइंट देखो जरा, क्यों रिफॉर्म होना चाहिए और बिना पुलिस रिफॉर्म के सुशासन और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आप सोचो जरा ध्यान से, ये बात करें हम लोग, एक बार पुनः लेके चलता हूं मैं, इस पॉइंट को देखो आप। मैंने क्या कहा, एसडीजी के लक्ष्य की प्राप्ति समावेशता सुशासन एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों, क्यों किसके पर अत्यधिक बोझ है ये। आईपीएस को लेकर विवाद, अगली चीज सीबीआई पर ज्यादा बल, पुलिस बलों में विविधता का अभाव, पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण, पुलिस बुनियादी ढांचे के मुद्दे और औपनिवेशिक विरासत के कारण दमनकारी पुलिस बल बनना, अंततः देखा जाए पुलिस भ्रष्टाचार, बिगड़ते पुलिस सार्वजनिक संबंध और अपराधों की बदलती प्रवृत्ति, यह आवश्यकता है। आप सोचो प्रश्न का जो अगला पार्ट ये है, पार्ट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि प्रयास किया है तो क्या प्रयास किया है। अगले पैरे में देखो आप आएंगे हम पार्ट पर, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिन्हा भारत संघ मामले में पुलिस सुधार के संबंध में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में बनाम वाद में 7 निर्देश दिए हैं। वो निर्देश कौन कौन सा है, पहले देखो, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन पहला पॉइंट। दूसरी चीज डीजीपी की योग्यता आधारित नियुक्ति, डीजीपी की योग्यता नियुक्ति। तीसरी बात कार्यकाल की सुरक्षा, हम चौथी चीज बात करें आपराधिक जांच और कानून व्यवस्था को अलग करना। एवं कानून व्यवस्था को अलग करना नंबर 5 की हम बात करें, पुलिस के स्थानांतरण पोस्टिंग और पदोन्नति के संबंध में पुलिस के स्थानांतरण पदोन्नति ये कहा जाए कि हम पोस्टिंग के संबंध में पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन, पोस्टिंग के संबंध में पुलिस स्थापना हम बोर्ड के गठन की बात करें, नंबर 6 की बात करें, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, पुलिस
और हम नंबर सात की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन, राष्ट्रीय सुरक्षा ये चीज देखो जरा। पहली चीज, यदि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के संबंध में प्रकाश सिंह बना भारत संवाद में सात निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश क्या है? राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। दूसरा है डीजीपी की योग्यता आधारित नियुक्ति। तीसरी बात, कार्यकाल की सुरक्षा। चौथी बात, आपराधिक जांच एवं कानून व्यवस्था को अलग करना। पांचवा, पुलिस का स्थानांतरण, पदोन्नति और पोस्टिंग के संबंध में पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन। अगला, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन होना चाहिए। ये बातें, लेकिन प्रश्न ये है कि और अधिक क्या हो सकता है। प्रश्न यही है कि तो अधिक प्रयास क्या हो सकता है। अगले पैर में फोर्थ में आएंगे और लिखेंगे, परंतु सुशासन के अनुरूप पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। जैसे आप प्रयास की क्या आवश्यकता है? नंबर वन, थाने स्तर पर सुधार। क्योंकि आम जनता का सीधा संपर्क थाने से, जो सीधा संपर्क थाने से होता है। नंबर दो, पुलिस बजट बढ़ाने और बजट में वृद्धि के साथ बदलते तकनीक के अनुरूप निरंतर उन्नयन, आप कंटिन्यूअस को अपडेट करो। आप अगली चीज, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए मलिमथ समिति के सुझावों का क्रियान्वयन आवश्यक। जो सुझाव उसका क्रियान्वयन करा दो। अगली चीज, बदलते अपराध की प्रकृति के अनुरूप पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण, बदलते अपराध की प्रकृति के अनुरूप पुलिस कर्मियों का हम प्रशिक्षण की बात करें। अगली चीज बात करें, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता के धारणा में सुधार। ये देखो आप, और अधिक प्रयास क्या हो सकता है? तो थाने स्तर पर सुधार, क्योंकि आम जनता का सीधा संपर्क थाने से, पुलिस बजट में वृद्धि के साथ बदलते तकनीक के अनुरूप निरंतर उन्नयन, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए
मलिमत समिति के सुधारों का क्रियान्वयन आवश्यक और बदलते अपराध की प्रकृति के अनुरूप पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। अंत में देखा जाए सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता की धारणा में सुधार। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता की धारणा में सुधार होना चाहिए, जैसे जनमैत्री सुरक्षा योजना, जैसे केरल की जनमैत्री सुरक्षा योजना तथा असम की बात करें, असम में मीरा पैवी असम जैसी मीरा पैवी असम जैसी पुलिसिंग पर बल। अंत यह कहा जाए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम जैसे भर्ती के संबंध में जापान मॉडल, भर्ती के संबंध में जापान मॉडल, न्यूयॉर्क पुलिस के पुलिस मॉडल की विशेषज्ञता का उपयोग, न्यूयॉर्क मॉडल के पुलिस के उस पुलिस मॉडल की विशेषज्ञता के उपयोग की बात करें। अंत में नंबर 7 पुलिस प्रशासन में 33% महिलाओं की भागीदारी पर बल, मतलब ये प्रयास किया जाना चाहिए। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जनता की धारणा में सुधार। जैसे केरल में एक परियोजना चल रही है जनमैत्री सुरक्षा योजना, असम की योजना चल रही है मीरा पैवी असम जैसे पुलिसिंग पर बल। अगला अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, जैसे भर्ती के संबंध में जापान मॉडल तथा निवारक पुलिस की पुलिस मॉडल की विशेषज्ञता का उपयोग। अंत में पुलिस प्रशासन में 33% महिलाओं की भागीदारी पर बल दो, आप भागीदारी पर बल दो। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे और निष्कर्ष आपका होगा सुझाव के रूप में होगा। आपका जो निष्कर्ष चलेगा वो सुझाव के रूप में चलेगा। जैसे आप इसे देखो, आप निष्कर्ष और निष्कर्ष में आता पुलिस प्रशासन को समावेशी संवेदनशील बनाने के लिए
नीति आयोग के सुझाव के पुलिस प्रशासन को समावेशी संवेदन संवेदनशील बनाने के लिए नीति आयोग के सुझाव के अनुपालन के साथ राजनीतिक शुचिता एवं नैतिकता का समावेश तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है ये बातें देखो आप। अतः पुलिस प्रशासन को समावेशी संवेदनशील बनाने के लिए नीति आयोग के सुझाव के अनुपालन के साथ राजनीतिक शुचिता एवं नैतिकता का समावेश तथा दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यह कहने के बाद आप आंसर को क्या करो, क्लोज कर दो आप। यह हमारा निष्कर्ष चलेगा आंसर, ठीक है। पर मैं चाहता हूं आप लोग लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। यकीन करो अब एक साल फॉलो कर लो, करंट का एक भी प्रश्न में बाहर जाने नहीं दो, ओके, ठीक है।